गुड आफ्टरनून गाइस, आज हमारे सीवरेज के खड्डे का लैंटर डलेगा, तो सब लोग काम पे लगे हुए हैं और मैं घर पे अकेला हूँ। प्रीति दवाई लेने गई हुई है। हमारे यहाँ पे काया जी के घर पे भी काम चल रहा है, तोड़ फोड़ चल रही है और अभी लैंटर डाल रहे हैं शटरिंग की। उसके बाद सरिये का जाल बांध रहे हैं। तो आपको एक बार दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग लैंटर की मजबूती कर रहे हैं सरिया डाल करके। उसमें किस तरह से हमने सरिया डाला है, नॉर्मल सा सरिया डाला, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, लेकिन उसमें मजबूती काफ़ी है क्योंकि हम उस साइड में कल को अगर गाड़ी गाड़ी करनी हो, झूला रखना हो, कोई हैवी वेट उसके ऊपर देना हो, हैवी लोड, तो वो आसानी से कैरी कर ले। और जो खड्डे की साइड है ना, उसमें हमने मिट्टी डाल के, कचरा डाल के फिलिंग कर दी ताकि वो मजबूत रहे। घर पे नहीं है और चाची जी भी साथ में गए हैं राजा चाची, तो चाचा जी ने भी खाना यहीं पे खाना है। और मैं ना सोच रहा हूँ कि खाने के लिए ना पुलाव बना लेता हूँ, मशरूम वगैरह ये सब कुछ डाल के ना, तो टेस्टी वाले पुलाव बनाता हूँ। चाचा जी ने यहीं पे खाना खाना है, तो चपाती वगैरह बनाऊंगा, तो उसके साथ मेरे को सब्जी बनानी पड़ेगी, तो सब्जी तो मैं नहीं बनाऊंगा, पुलाव जल्दी बन जाएंगे, वो बनाता हूँ। और मेरे को अच्छे भी लगते हैं और खुद के लिए भी काफ़ी सारी उसमें वेज सब्जियाँ डाल के ना, तो टेस्टी लगेंगे। और चाचा जी को भी आज एक अलग टेस्ट करवाते हैं। चावल बनाने के लिए मैंने बहुत सारे प्याज काट लिया है, टमाटर काट लिया है, और इसके साथ इसमें डालना है लहसुन, अदरक और मसाले। आपको बताता हूँ इसमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करूँगा। सबसे पहले जीरा, थोड़े से धनिया के दाने, और इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला, बिल्कुल हल्का सा। रेड मिर्च हम नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चों ने खाने होते हैं, तो लाल मिर्च जो है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। और उसके बाद आ जाती है मेरी वेजिटेबल्स, पहले तो गाजर और ये बीन्स, मटर मैंने और भी रखे हुए हैं साइड में, उनको पानी में डाल के रखे क्योंकि फ्रोजन थे ना। और ये गोभी, फूल गोभी, अभी ब्रोकली बाज़ार में नहीं आई थी तो ब्रोकली नहीं लेके आ पाया मैं। और इसी के साथ आती है मेन इसके इन्ग्रीडियंट जो है, वो है आज के मशरूम। तो हम मशरूम वाले पुलाव बना रहे हैं इसलिए इसमें मशरूम मेन है। तो मशरूम को मैंने धो करके अच्छी तरह से काट के सुखा लिया है। अब मैंने तेल रख दिया कढ़ाई पे, तेल गर्म होगा, उसके बाद हम लोग चावल को लगाएंगे तड़का। जब हम लोग लहसुन जीरा इसमें डालते हैं ना, तो उस टाइम पे टाइमिंग इतनी सही होनी चाहिए कि कुछ भी जल नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब तेल गर्म होते हैं तो सबसे पहले इसमें जीरा डालते हैं, तो जीरा कभी कभी जल जाता है, तो तेल को थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसमें जीरा डालो या फिर लहसुन पहले डाल लो, क्योंकि लहसुन इतनी जल्दी नहीं जलता। और उसके साथ ही जीरा डाल दो, फिर जीरा डालने के बाद इसमें डाल दो प्याज। तो प्याज अभी मेरे पक रहे हैं, इसको लाइट ब्राउन करना है, उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे क्योंकि प्याज मेरे को ज़्यादा नहीं पकाने। हमेशा मेरे को प्याज कच्चे कच्चे अच्छे लगते हैं हर सब्जी में, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जो हमने ग्रेवी तैयार करनी हो तो हम प्याज को अच्छी तरह से पका लेते हैं, फिर उसको ग्राइंड करके अच्छी ग्रेवी बन जाती है। सो गाइस, तड़के के बाद ना टमाटर पकाने के लिए मेरे से पानी ज़्यादा डल गया, आप इतना पानी मत डालना, इसमें थोड़ा सा पानी डालना ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह से तड़के में पक जाए। तड़का हमारा पक चुका है और इसमें हम डाल देंगे अब मशरूम, क्योंकि मशरूम जो है इसको थोड़ा सा भुनना पड़ता है ताकि। सबसे पहले हम लोग मशरूम पका लेंगे, बाकी सब्जी इसमें बाद में ऐड करेंगे। थोड़ा सा मशरूम को भून के ना फिर इसमें बाकी सब्जी डालेंगे, ज़्यादा नहीं भुनना है इसको, बस थोड़ा सा इसको तड़के का टेस्ट देना है। और इसमें हम पानी भी नहीं डालेंगे क्योंकि मशरूम में पानी ऑलरेडी होता है, तो पानी इसका तड़के में अपने आप आ जाएगा। अब टाइम आ गया है इसमें बाकी सब्जियां ऐड करने की, तो ये हमने बाकी सब्जी भी इसमें ऐड कर दी। एक तरह से आपको ना मिक्स वेज लग रही होगी क्योंकि इसमें अभी चावल ऐड नहीं हुए, जब चावल ऐड हो गए तो ये और भी अच्छी लगेगी। जितने हमारे चावल थे उससे डबल हमने इसमें पानी डाल लिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब ढक्कन लगा करके थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। जब हमारा पानी सूख जाएगा तो इसको गैस को थोड़ा सा उसका फ्लेम कम कर देना है और उसके बाद इसको लो फ्लेम पे पकाना है। बस ध्यान रखना है कि चावल नीचे न लगे, लेकिन इसको नीचे न लगने से कैसे बचाना है, मैं इसमें डाल दूंगा कटे हुए दो नींबू, इससे चावल जो है अच्छे बनते हैं और चिपकते नहीं है, तो ये नींबू अपने आप इसमें अपना रंग दिखाएंगे। बस अब क्या करना है कि नींबू को थोड़ा सा इसे अंदर कर देना है और ये अपना काम अपने आप करते रहेंगे। हो सके तो इसको मिक्स कर दो तो ज़्यादा बेटर है, इस तरह से बस ये अपना काम खुद करेंगे और देखना आपके चावल कितने अच्छे, कितने टेस्टी बनेंगे। तो इसमें नींबू का थोड़ा सा टेस्ट भी आएगा, फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा और साथ के साथ आपके चावल जो है कढ़ाई के साथ नीचे नहीं लगेंगे। बनने के बाद चावल हमारे कुछ इस तरह के दिख रहे हैं और बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी है। मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट किया और बैठ के खाना खाते हैं और चाचा जी को भी खाना खिलाते हैं और फिर वो लगेंगे अपने काम पे लेंटर डालने के लिए।
ग्रेनाइट लग चुका है और कल यहाँ पे टाइल लगेगी और इसकी मोल्डिंग शुरू होगी, इसकी घिसाई, तब जा करके ग्रेनाइट सेट होगा। और इसकी अभी सिंक वाली कटाई जो है वो बाकी रहती है, तो भैया कहते हैं कि मैं सिंक की कटाई जो है लगाने के बाद करता हूँ। चाची ऊपर गिरेगी ये, कट्टे बजरी सॉरी 6 कट्टे सीमेंट के डाल के यहाँ पे लेंटर हमारा डल चुका है। ऊपर से पानी के नीचे है रोज भाई, ये पानी किसने फेंका ऊपर से? गीला है इसलिए हो रहा है ऐसे? नहीं यार, किसने पानी फेंका इसके ऊपर? ये वाला रूम हमारा हो चुका है रेडी, यहाँ पे पीओपी सॉरी पुट्टी हो चुकी है। पीओपी हमने छत पे नहीं करवाई क्योंकि हमें सिंपल सोबर रखने हैं, इसलिए हमने पीओपी नहीं करवाई। और ये वॉशरूम भी हमारा तैयार हो चुका है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा खाना रखा है, सॉप वगैरह और शैम्पू वगैरह रखने के लिए। और यहाँ से है वेंटिलेशन वॉशरूम के लिए, साइड से है ओपन बालकनी, तो यहाँ पे भी टाइल लग चुकी है। और अभी इसमें ना एक रजा ऊपर ईंट का लगेगा क्योंकि बहुत डाउन हो चुका है, यहाँ पे बहुत सारी रेट और बजट डल के लेवल इसका अप किया, तो यहाँ पे रजा लगेगा ईंट का ना। लेंटर डल के ख़त्म हो चुका है, कल इसके ऊपर पानी खड़ा करेंगे रेता लगा के। अभी लेंटर डल गया, अब हमें कोई डर नहीं है, बारिश होते रहे तो हमें कोई नुकसान नहीं है। सुबह से नहाया नहीं, मेरी बहुत बुरी हालत हो रखी है, यहाँ पे ना पिंपल भी हो रखा है। मैंने दोपहर को चावल बनाए थे चाचा जी के लिए और अपने लिए, उन्होंने चावल खा करके थोड़ी देर मैंने इनके साथ काम करवाया लेबर के साथ, क्योंकि बंदे तो थे लेकिन लेंटर मेरा ये था कि जल्दी पड़ जाए तो इनको जल्दी छुट्टी कर दूँ। तो 1.5 घंटे पहले इनको मैंने भेज दिया, 3:30 बजे हमारा लेंटर गया, वो डल चुका था। ठीक हो गया ना? बढ़िया गया लेवल पे, पूरा मम्मी का मन था कि सवेरे, अभी तक नहीं पकेगा ये, सुबह इतनी जल्दी नहीं पकेगा, कल शाम तक घूम लेना आप, ऐसे तो पक जाएगा पर नहीं सुबह मत घूमना। अभी नहीं डालेंगे मिट्टी, 2-3 दिन के बाद थोड़ा पक जाए दोबारा। और नहीं गए, सभी सुबह सुबह उठ के मैं यहाँ पे पानी लगा रहा हूँ खड्डे को और साथ में हेल्पर लेके खड्डे के ऊपर पानी खड़ा करने के लिए रोक लगाई मिट्टी के, और इसको 7 से 8 दिन ऐसे पानी खड़ा करना है और हम इसके लेंटर जो है 13-14 दिन के बाद खोल देंगे। तो एक डिब्बा टाइल का टूटा हुआ निकला, इसको चेंज करवाने के लिए मैं वापस मार्केट में जा रहा हूँ। और आज संडे है तो मार्केट थोड़ी बहुत खुली होगी, लेकिन जो दुकान है ना टाइल वाली वो खुली है, मैंने उनसे कॉल करके पता किया था, और इसको चेंज करवाते हैं तभी चल जा करके मेरा जो है काम चलेगा। दीवार भैया बोलते हैं कि बराबर कर लो, उसके ऊपर टाइल लगा लो, फिर आपको ना वो बहुत अच्छी लगेगी जचेगी भी, तो डिज़ाइन में भी थोड़ा सा आया था तो मैंने कहा भैया चलो कर दो जैसे आपको ठीक लग रहा है, और ऊपर लग रही है टाइलें। दीवार हमारी कंप्लीट हो गई और इसके ऊपर भी टाइल लगेगी। सोच रहे हो मम्मी, क्या सोच रहे? खाली कर दिया क्योंकि यहाँ पे ना रिपेयर लगी, जब हमने 4 साल पहले अपने घर का काम करवाया था यहाँ पे क्रैक्स आए हुए थे, तब हमने इसकी रिपेयर नहीं करवाई थी क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ गया था, तो हमने काम रोक दिया था। लेकिन अब इसकी रिपेयर करवा के इस रूम को पेंट करवा के ये भी एक बेडरूम तैयार करवाऊँगा, क्योंकि गेस्ट आएंगे, कुछ होगा फंक्शन कुछ होगा, तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी अपना एक गेस्ट रूम बना सकते हैं और सर्दियों के लिए भी रूम बना सकते हैं।